हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुड्डा एक मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके साथ कई कांग्रेस के नेता भी स्टेज पर बैठे हैं। इसी दौरान हुड्डा के पीछे खड़े एक शख्स ने अपनी जेब से कंघी निकालता है और बड़े आराम से उनके बालों में कंघी करने लगता है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि हुड्डा इस दौरान बड़े आराम से बैठे रहे, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला हो। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इसे लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे लेकर मजाक उड़ाने लगे, तो वहीं बीजेपी ने इस वीडियो को एक चुनावी मुद्दे में बदल दिया है। बीजेपी हरियाणा ने सोशल मीडिया पर हुड्डा को लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि गजब की रईसी है भाई, हुड्डा जी ने एक व्यक्ति सिर्फ कंघी करने के लिए रखा है, जिसके बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं दूसरी ओर ये चर्चा भी होने लगी है कि बीजेपी इस तंज को कसकर चुनावी माहौल में एक नया मोड़ ले आई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष इस वीडियो का इस्तेमाल चुनाव में कर सकता है, ताकि वो हुड्डा की छवि को जनता के बीच रईसी और अहंकारी के रूप में दिखा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो है कब की, तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के नामांकन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचे थे, जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में हुड्डा की ये वीडियो कितना असर डालने वाली है।